नमस्कार। एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैं आरएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं और मेरे कमरे में आपके दृष्टिकोण से कौन कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करता हूं कि सबसे पहले मेरी दृष्टि से राजस्थान के इतिहास के लिए राजस्थान बोर्ड की पुस्तक आपके टेबल पर होनी चाहिए, राजस्थान की कला और संस्कृति जयसिंह नीरज, राजस्थान का भूगोल HM सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी या डॉक्टर भल्ला सर कुलदीप पब्लिकेशन की पुस्तक होनी चाहिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए नाथुराम का सर का कोई विकल्प नहीं है, राजस्थान का आर्थिक सर्वे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए ताकि समसामयिक जो योजनाएं उन पर अच्छी पकड़ हो, जो न केवल प्रारंभिक परीक्षा में काम आए बल्कि मुख्य परीक्षा में भी काम आए। और जो आर्थिक सर्वे है उसको आपको पढ़ना है और उसको शॉर्ट के अंदर 8-10 पेज के अंदर अपने नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। इसके अलावा आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे तो ये किताबें नहीं पढ़नी हैं, तो इसका एक ब्रह्म जो वाक्य है वो आप अच्छी पुस्तकें हैं वो पढ़ सकते हैं। और अगर अच्छी पुस्तक जिसे गाइड का नाम आप देते हैं कहूँ तो मेरी दृष्टि से राजस्थान में सबसे जो अच्छी पुस्तक है वो है लक्ष्य गाइड, पर्याप्त रूप से संतुष्टिदायक पुस्तक है। बात करते हैं भारत और विश्व के भूगोल के लिए तो NCERT जरूर पढ़ें। उसके अलावा महेश बर्णवाल की जो पुस्तक है जो भारत और विश्व का भूगोल संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आपका कवर करती है। और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त अंक है वो पढ़ने के लिए कहूँगा और उसमें शुरुआत में जो पेज दे रखे हैं तथ्य दे रखे हैं और बाद में परिभाषिक शब्दावली दे रखी है और बाद में लास्ट में ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं 500, वो जरूर मिलाएं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इतिहास की बात करूँ तो प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल के लिए आपको लुसेंट गाइड के प्रारंभिक जो पेज है वो पढ़ने चाहिए और अगर गहराई में जाना चाहते हो, आधुनिक भारत को पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए स्पेक्ट्रम गाइड बहुत ही अच्छी गाइड है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो उसके लिए लुसेंट गाइड बहुत अच्छी गाइड है और लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन सब कुछ साइंस के पाठ्यक्रम के टॉपिक पढ़ने की बजाय आप देखिए आपके सिलेबस के अंदर क्या है और पिछले सालों के अंदर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके इर्द गिर्द ध्यान दें। भौतिकी या टफ जो टॉपिक है, सिद्धांत है, उन पे ध्यान देने की बजाय जो दैनिक जिंदगी के अंदर जो काम आने वाली चीजें हैं, जैसे मानव शरीर हो गया, मानव शरीर से संबंधित बीमारियां हो गई, हार्मोन तंत्र हो गया, या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर क्या हो रहा, उपग्रह प्रक्षेपण के अंदर क्या हो रहा, मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा, पर्यावरण के अंदर कोई तकनीक हो गई, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कोई नई तकनीक आई हो, कोई नया आविष्कार हुआ, इस तरीके की जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर काम आती है ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए। रसायन विज्ञान की बात करूँ तो रसायन विज्ञान के अंदर भी जो चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है वो ज्यादा पढ़ें और पिछले सालों के पेपर देखें, उससे आपको पता चलेगा। इसके अलावा बात करें कि आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है, तो दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप किरण प्रकाशन की या एस चांद पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और उसके लिए भी पिछले सालों के पेपर देखें। और जिसमें आपको लग रहा है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपकी पकड़ में नहीं आएंगे, तो आप कोर पॉइंट छांटिए जहां पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और यहां पे कम ध्यान देने से उसकी जो भरपाई है और कहीं समसामयिक मुद्दे पे या कहीं और मुद्दों पे जाकर के आपको तैयार करनी है। और समसामयिक मुद्दों की अगर बात करूं तो उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल मासिक पत्रिका पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा समसामयिक में भी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वो रोज अखबार पढ़ते रहिए, रोज अपनी डायरी के अंदर नोट करते रहिए। जैसे आज मान लो अखबार में पढ़ा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसी को, तो डायरी के अंदर हाथों हाथ नोट कर लिया, क्योंकि अखबार बार बार नहीं पढ़ना। अखबार 20 पेज का या 15 पेज का जो अखबार है तो आप कोशिश करो 1 पेज के अंदर उसका सार तत्व उसके अंदर आ जाए। तो समसामयिक मुद्दों पे भी आप एक मासिक पत्रिका पढ़िए और एक अखबार है वो पढ़िए। इसके अलावा दोस्तों आप का जो कमरा है उसमें राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल जरूर होना चाहिए और आपको रोज 5 से 10 मिनट जब भी आप नाश्ता कर रहे हैं या जब भी कुछ खाली बैठे हैं तो आप मैप की स्टडी जरूर करें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में मैप बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात करें राजस्थान के इतिहास की बात हो गई, भारत के भूगोल की बात हो गई, साइंस की बात हो गई, अर्थव्यवस्था की बात हो गई, भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के लिए M. लक्ष्मीकांत पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आरएस प्रारंभिक परीक्षा के पिछले सालों के पेपर देखोगे तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो कोर पॉइंट है वो राजस्थान का सामान्य अध्ययन है, तो राजस्थान के सामान्य अध्ययन पर आप विशेष ध्यान दें और सिलेबस पे फोकस करें। पिछले सालों के जो पेपर है उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, उनके अनुरूप ही आप अपनी
रणनीति बनाई, सिलेबस से भटके नहीं। पिछले सालों में जो पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, वो जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। और मेरी तो ये सलाह है कि आज तक लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले 10 सालों में कोई भी एग्जाम जो आयोजित हुआ, उसमें राजस्थान के सामान्य अध्ययन से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उनको जरूर देखें। जैसे प्रेरणा बुक हाउस है जयपुर है, तो वो MCQ क्वेश्चन निकालते हैं। आज तक RPSC के द्वारा कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं राजस्थान के सामान्य अध्ययन को लेकर के या दूसरे सामान्य अध्ययन को लेकर के, तो वो जरूर पढ़ना चाहिए आपको। तो दोस्तों मोटी मोटी बात हो गई, पुस्तकें कम पढ़ें, बार बार पढ़ें, नोट्स बना करके पढ़ें, समसामयिक मुद्दों में रुचि विकसित करें, बोझ मान करके नहीं पढ़ें, और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़िए, विद्वान बनने की दृष्टि से नहीं पढ़िए। एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की एक सब्सक्राइबर की अपील पर। बहुत बहुत धन्यवाद।